से पहले पीएम मोदी ने असम दौरे के दौरान आज सुबह सुबह असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे और यहां उन्होंने हाथी की सवारी की। कुछ देर हाथी की सवारी के बाद पीएम जंगल के अंदर जीप पर बैठकर रवाना हुए। पीएम यहां लगभग 2 घंटे तक बने रहे। काजीरंगा में जंगल सफारी, 400 पार्क की तैयारी, असम से पूर्वोत्तर के विकास का रोड मैप, असम से पूर्वोत्तर में 2024 की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह असम के मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। पीएम मोदी का वाइल्ड लाइफ से लगाव जग जाहिर है। काजीरंगा नेशनल पार्क से पीएम मोदी की तस्वीरें वायरल हो रही है। खुली जिप्सी में सवार होकर पीएम मोदी जंगल सफारी के लिए पहुंचे थे। लगातार यात्रा और बैठकों में व्यस्त रहने वाले पीएम मोदी यहां हाथी की सवारी करते दिखे। तस्वीरें सिर्फ हाथी की सवारी की ही नहीं आई, पीएम मोदी ने हाथी को गन्ना भी खिलाया और उसके साथ तस्वीरें भी ली। ये तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया में शेयर की है। उन्होंने हाथियों के अलावा यहाँ के मशहूर गैंडों को भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज सुबह वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में थे। हरे भरे हरियाली के बीच बसी ये जगह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एक सींग वाले गैंडे सहित वनस्पतियों और जीवों से भरपूर है। इस पार्क को 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने किसी जंगल सफारी की तस्वीरें शेयर की हों। मोदी अक्सर भीड़भाड़ से दूर जंगल जा पहुंचते हैं और यहां से जीव जंतुओं के साथ तस्वीरें शेयर भी करते हैं। शुक्रवार को असम पहुंचे पीएम मोदी का दौरा सिर्फ जंगल सफारी तक ही सीमित नहीं है, वो लगातार पूर्वोत्तर में जारी विकास के सबूत भी पेश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जल्द ही इसकी घोषणा होने वाली है। सियासी समीकरणों को लेकर दांवपेच शुरू हो गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी देश के पूर्वोत्तर से विकास का संदेश दे रही है। पीएम मोदी कह चुके हैं इस बार 400 पार वाली सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।